कृषि का विषय लंबा चला लेकिन फिर भी अधूरा है और गौ आधारित कृषि मुख्य है तो वही कंटिन्यू करते हैं और सभी लोगों की इच्छा थी कि यही सत्र के प्रश्नोत्तर इसी में खत्म करके फिर गौ माता का विषय लेना, तो बिल्कुल इसको पूरा न्याय देंगे और फिर अपन पूरा करते हैं। खास तो जो कृषि के विषय में हमारी दोपहर से पहले बात हुई उसी के संदर्भ में आगे और कुछ टिप्स ऐसी है कि जिसके द्वारा आप अतिशीघ्र परिणाम ले सकते हैं, वो कुछ टिप्स के विषय में कुछ बातें करेंगे। जैसे टर्माइट का कोई प्रश्न है बहुत, जैसे गौकृपा अमृतम की जो आपने जो बातें करी अभी तक उसके अंदर दो पांच चीज आप लाइफ में कभी भी ऐड कर सकते हैं। टर्माइट उधरी का बहुत प्रश्न आया है तो क्या करना है, अर्क आंकड़ा बोलते हैं जो गणपति जी का उसका पूछ सकते आंकड़ा है ना, श्वेत अर्क, श्वेत अर्क और दोनों अर्क होते हैं, आंकड़े का पत्ता लेना है। गौमूत्र गौरूप अमृतम का एक अलग से ग्राम के अंदर वो आंकड़े के पत्ते डाल देंगे, उसको प्रणाम करके तोड़ना है इसकी डाली, वो पत्ते उसके अंदर गल जाएंगे, उसका गुण गौकृप अमृतम में आ जाएगा। वो जब पानी के साथ बनेंगे तो टर्माइट जिस फील्ड के अंदर ज्यादा परेशानी कर रहा है वो कंट्रोल होकर दूसरी जगह पे जाएगा। तो ये आंकड़े का पत्ता अक्षर है, वो पोटाश भी बहुत अच्छे से देता है और बहुत ही अच्छे से टर्माइट को कंट्रोल करता है, मारता नहीं है, ठीक है। एक ये हो गया टर्माइट के विषय। वैसे ही कोई भी क्रॉप के अंदर अचानक से बहुत स्पीड देनी है उत्पादन में, फ्लावरिंग में, सभी जगह पे, तो दो और फॉर्मूला है। 3 लीटर छाछ लेनी है, 3 लीटर गौकृप अमृतम और 9 लीटर पानी पंप में, 15 लीटर के पंप में वो स्प्रे करेंगे, अतिशीघ्र उसके अंदर परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, मतलब आपके सामने स्पीड बढ़ेगी बहुत ही, उससे रोग वगैरह भी जल्दी कंट्रोल होंगे। और उससे भी ज्यादा स्पीड में एक परिणाम लेना है तो 250 ग्राम दूध लेना है, देसी गाय का कच्चा दूध, 3 लीटर बैक्टेरिया गौकृपामृतम और 11 लीटर पानी 15 लीटर के पंप में वो स्प्रे किया 10 दिन में एक बार, आपकी नजर के सामने इतना गति से पौधा बढ़ेगा, फ्लावरिंग बढ़ जाएगा। ये सारे सात्विक तरीके हैं। देखिए आपके पास दुनिया में बहुत सारे तरीके आएंगे लेकिन हमें सात्विक तरीके अपनाना है। इजराइल नॉनवेज कंटेंट जो कतल खाना गाय का वेस्ट है उससे कुछ पका के करते हैं, कुछ लोग वृक्ष आयुर्वेद का रेफरेंस दे करके गाय को पकाने का बात कर रहे हैं मृत्यु के बाद, बट वो सात्विक तरीका नहीं है। हमको ये बहुत सात्विक तरीके से भारत को ऊपर लेके जाना है, अगर हम सात्विक तरीका छोड़ दिए तो वापस धप्पा लगेगा हमारी संस्कृति के ऊपर। तो हमें ये दूध का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया अतिशीघ्र परिणाम देने वाला है, वो पौधे की स्पीड भी बढ़ेगी, फ्लावरिंग बढ़ेंगे, फ्रूट अच्छी गुणवत्ता के होंगे। हमने जो बोला वो तो करना ही है, जैसे गोबर हमने बताया वो तो सब करना ही है, ये तो एक्स्ट्रा में अगर आपको उत्पादन बहुत ही लेना है, इसराइल के जैसे आपको बहुत उत्पादन के ऊपर आगे जाना है तो एक एक पौधे को ऐसे न्याय दे करके आपने अच्छे से किया उसकी स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो ये सारी कुछ टिप्स मैंने बता रहे थे। वैसे ही अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है कोई क्रॉप के अंदर कि गौकृप अमृतम का फिफ्थ स्टेप के अंदर भी हमको कुछ एडिशन करना है तो 10 ग्राम से 25 ग्राम हींग लेनी, हींग 10 से लेके 25 ग्राम तक एक पंप में हींग डाल सकते हो, उतना 3 लीटर गौकृप अमृतम या खट्टी छाछ जो मैंने बताया था वो, और थोड़ा सा गौमूत्र और हल्की सी मिर्ची 10 से 25 ग्राम जितनी। हाँ ये फिनिश करके आप कन्नड़ में शुरू करते हैं। अच्छा तो ये हींग हो गया। Once again, ठीक है।
क्यों रूप अमृत हमके अंदर 20-25 पत्ते उसको बंधन करके तोड़ता है और उसको अंदर डाल दिए, 5 दिन में वो गल जाएगा, या चटनी बना के भी अंदर डाल दिए, 3 दिन के बाद भी उपयोग कर सकते हैं। वो अपन वहां पे नीचे फ्लड में देना है, फ्लड में दिया तो नीचे मूल के आजू बाजू जो भी टर्माइट का जो अटैक है वो कंट्रोल हो जाएगा, पोटाश भी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। आपका आंसर होते चला नहीं, ಹಾನಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ರೋಗನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ದು ಈಗ ಇದೇನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತು. किलो 15 किलो तक पत्ते एक बार जाएंगे जो फास्ट अटैक निकालेंगे. ये जितने भी फॉर्मूला बता रहे वो बुक के अंदर है और फिर भी अपन कॉपीज खोलते हैं. दूसरा, अगर किसी को और स्पीड बढ़ाना है बहुत पौधे का, पौधे का अगर स्पीड बढ़ाना है 3 लीटर देसी गाय की छाछ लेनी है, 3 लीटर गौ कृपामृतम और 9 लीटर पानी, वो स्प्रे करेंगे वो जल्दी से कंट्रोल होकर के वो स्पीड में बढ़ेगा, फल फ्रूट बढ़ेगा और गति उसकी पौधे की बहुत बढ़ जाएगी. ऐसे 1 एकड़ में जो 15 पंप लगते हैं वो लगा सकते हैं, 10-15 पंप. ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 3 ಲೀಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಲೀಟರ್ ಗೋಕೃಪ ಅಮೃತ, 9 ಲೀಟರ್ ನೀರು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ತರ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನೇ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ನಮ್ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು 3 ಲೀಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಲೀಟರ್ ಗೋಕೃಪ ಅಮೃತ, 9 ಲೀಟರ್ ನೀರು, 1 ಪಂಪಿಂಗ್ अंदर अति शीघ्र फल फ्रूट बढ़े. अचानक नजर के सामने पौधा एकदम स्पीड से बढ़ा देना है, कलर बदल देना है, तो 250 ग्राम दूध लेना है, फ्रेश दूध 250 से 300 ग्राम कच्चा दूध गाय का, देसी गाय का, 3 लीटर गौकृपा अमृतम और 11 लीटर पानी एक पंप में. ऐसे 10-15 पंप जो भी आपके एकड़ में लगते हो हर 10 दिन में स्प्रे करना है. आपकी नजर के सामने जो जेट स्पीड से पौधा बढ़ेगा, फल फ्रूट बैठेंगे, फ्लावरिंग बढ़ेगा, अति शीघ्र परिणाम मिलेगा. उससे रोग भी कंट्रोल होता है, उससे फ्लावरिंग भी बढ़ता है, गति भी बढ़ता है. ऐसे बैंगनों में और हम लोग ने 11-12 साल पहले सारे प्रयोग किए थे, लेकिन एक के बाद एक हम एक बार पहले गौकृपा अमृतम लिए, फिर आपको इसके ऊपर लेके जा रहे हैं. तो जिनको और परिणाम लेना है, एक एक पौधे के ऊपर अच्छे से परिणाम लेना है, ये पद्धति में ये एडिशन किया तो बहुत स्पीड, ये स्पेशल टिप्स है कुछ जिससे आपका परिणाम बहुत गति से मिलेगा. कोई भी पौधा होने दीजिए, कोई भी. आपको क्या करना है, सभी को पहले रिक्वेस्ट है, जैसे ये गौकृपा अमृतम हमने बताया कंट्रोल प्रयोग, थोड़ा सा प्रयोग करना है सेम पैटर्न के अंदर. ये दूध वाला प्रयोग है, छाछ वाला प्रयोग है, पहले थोड़ा प्रयोग करो. आपके सामने 50 पौधे नींबू के हैं और 5 पौधे में डाल के देखिए, अनुभव करिए क्या हो रहा है ना. ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ರು, 250 ml ಹಾಲು, ದೇಸಿ ಆಕಳ ಹಾಲು, ಮತ್ತೆ 3 ಲೀಟರ್ ಗೋಕೃಪ ಅಮೃತ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ನೀರನ್ನು, 1 ಪಂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ನೀರನ್ನು,
अंदर ना मोदले फार्मुला 4 लीटर मज्जे मत 3 लीटर गोबर पानक 9 लीटर नीर अदरिंता जास्ती बे नमें ग्रोथ कड़े मत हण्ण जास्ति उद्देश्य बड़े हाँ देशीय आकड़े हाँ देशीय आकड़ हाँ नाटी हसुने बेरे देशीय आकड़ हसुन हालांकि लीटर गोबर पानक उड़द अंद्रे पंपिन फार्मुला फार्मुला ना हेच्चु ग्रोथ बड़े ना हेच्ची फल अद्वुद फल तकबूद मत प्रोडक्शन जास्ती मे वैसे ही कोई अति जटिल रोग आ गया है तो ये भी एक बहुत यूनिवर्सल फॉर्मूला काफी जगह पे परिणाम देने वाला बनेगा कि 10 से 20 ग्राम 25 ग्राम तक हींग लेनी है एक पंप में, उतना ही मिर्च ले सकते हैं, 3 लीटर गोकृपामृता और थोड़ा सा लहसुन 20 से 25 ग्राम लहसुन वगैरह और गोकृपामृतम 3 लीटर मैंने बताया बाकी का पानी। अगर ये चीज आपने पहले भी गोकृपामृतम में डाली तो एक दिन के बाद भी वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा गोकृपामृतम के अंदर और वही स्प्रे जब करेंगे तो जटिल से जटिल रोग भी इससे बहुत समाधान सरलता से होंगे। गोकृपामृतम और 11 लीटर पानी एक पंप में लगेगा। जटिल से जटिल कोई मुश्किल रोग है तभी आप ये उपयोग करना, जनरल नहीं करना। 20 हसी मेणसिनका पुड़ी खार बड़ी मत लीटर गोकृपामृत नमगे रोग पूर्तियागि कंट्रोल आ नोड़ी फस्ट हिंग 25 ग्राम सेकेंड हसी मेणसिनका अथवा पुड़ी खार मत हसी मेणसिनका उत्तम अगर बेलुली 25 ग्राम मत 3 लीटर गोकृपामृत उड़दीर ये नमें रोग कंट्रोल आगता यू मत ना मज्जे मत पात्र बड़स आवाद बड़स